हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे सब्सक्राइबर का हमारे पास कमेंट आ रहा है कि एक इनवॉइस में वो 20 आइटम से ज़्यादा नहीं इंक्लूड कर पा रहे हैं। तो ये वीडियो खासकर उन्हीं लोगों के लिए है जिनको एक इनवॉइस, एक ई इनवॉइस में 20 से ज़्यादा आइटम्स इंक्लूड करना है बट वो कर नहीं पा रहे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी और फॉर्म डी के बारे में समझेंगे। ई इनवॉइस का ये क्या चीज़ है, क्या टूल है ये? ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को समझने के लिए पूरा अंत तक देखें, क्या सिस्टम है आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, चलते हैं हम सीधा ई इनवॉइस के पोर्टल पे, जहाँ पे ये बल्क आयरन जनरेशन का टूल है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जेसन प्रिपरेशन टूल्स दिया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट है ई इनवॉइस जेसन प्रिपरेशन फॉर्मेट ए। ठीक है, फॉर्मेट ए में क्या है? फॉर बी टू बी एसीजेड एक्सपोर्ट्स एंड डीम्ड एक्सपोर्ट्स ऑफ ई इनवॉइस डिटेल्स इन वन शीट। उसी तरह से नेक्स्ट है फॉर्मेट बी, जिसमें से कि ये भी आप फॉर्म बी टू बी एसीजेड एक्सपोर्ट्स एंड डीम्ड एक्सपोर्ट्स ऑफ ई इनवॉइस डिटेल्स इन टू शीट, इसमें टू शीट्स यूज होंगे। और नेक्स्ट जो है फॉर्मेट सी, इसमें क्या है? सभी होंगे बट इसमें एक्स्ट्रा क्या रहेगा, अलॉन्ग विथ पेमेंट एंड रेफरेंस डिटेल्स ऑफ ई इनवॉइस इन मल्टीपल सीट्स। ठीक है, दूसरा है फॉर्मेट डी। फॉर्मेट डी में क्या है? अगर आपको पेमेंट एंड रेफरेंस डिटेल्स ऑफ ई इनवॉइस इन वन सीट अगर करना है तो आप यूज़ करेंगे फॉर्मेट डी। तो दोस्तों, शॉर्ट्स में आपको समझ में आ गया कि फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म डी क्या है। चलिए इसका कुछ लिमिटेशन हम देख लेते हैं जो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन से। पहला, व्हाट इज फॉर्मेट ए ऑफ बल्क ई इनवॉइस जनरेशन टूल? तो फॉर्मेट ए इज अ सिंपल फॉर्मेट ऑफ बल्क इनवॉइस जनरेशन टूल व्हिच इज यूज्ड टू प्रिपेयर जेसन फाइल टू अपलोड द लार्ज नंबर ऑफ ई इनवॉइसेस बाय सिंगल अपलोड टू द इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ठीक है, तो ये है। दूसरा क्या है? व्हिच कैटेगरी ऑफ ट्रांजेक्शन टाइप आर अलाउड टू एंटर इन फॉर्मेट ए? तो फॉर्मेट ए इज अ सिंपल टूल व्हिच कैन बी यूज्ड बाय टैक्स पेयर हु हैव इनवॉइस डिटेल विथ बी टी वी एसीजेड एक्सपोर्ट कैटेगरी एंड डीम्ड एक्सपोर्ट कैटेगरी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज प्रोफाइलिंग इन बल्क टूल, हाउ इट इज बेनिफिशियल? तो द प्रोफाइल डिटेल्स ऑब्लिक प्रोफाइलिंग विल हेल्प अस टू कस्टमाइज द बल्क जनरेशन टूल बाय इधर शोइंग और नॉट शोइंग द कॉलम्स इन द इनवॉइस डिटेल्स एज पर द आंसर्स टू द क्वेश्चन। दिस हेल्प द यूजर इन कस्टमाइजिंग द टूल टू हिज और हर बिजनेस नीड्स। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, हम लोग आप क्या कर सकते हैं, प्रोफाइलिंग टूल में कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको क्या क्या जरूरत है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, फर्स्ट पेज में जाके ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे आप सारा डिटेल लेंगे, क्या क्या ऑप्शन आपको चाहिए। अगर रिवर्स चार्ज चाहिए तो उसको आप यस कर लीजिए, रिवर्स चार्ज का ऑप्शन आ जाएगा। उसी तरह से आपको डिस्काउंट दिखाना है और ये सपोज आपको ई वे बिल भी बनाना है तो यहाँ पे आप यस करके आप जा सकते हैं, वो आपके पास ऑप्शन निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था ये। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं, हाउ कैन आई कस्टमाइज द बल्क जनरेशन टूल? द ई इनवॉइस बल्क टूल कंटेन बोथ मैंडेटरी एंड ऑप्शनल फील्ड्स। द मैंडेटरी फील्ड्स आर दोज दैट मस्ट बी कंपलसरी देयर फॉर एन इनवॉइस टू बी वैलिड under the e-invoice standard. The optional fields are those that may be customized as per the business needs. ठीक है, तो ये हम लोग कस्टमाइज करके अपना उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें क्या है, हाउ टू प्रिपेयर जेसन फाइल यूजिंग फॉर्मेट ए? फॉर्मेट ए यूज़ करके आप कैसे जेसन फाइल जनरेट करेंगे? तो फॉर्मेट ए इज अ सिंपल फॉर्मेट ऑफ बल्क जनरेशन टूल वेयर ऑल द इनवॉइस डिटेल्स एंड आइटम डिटेल्स आर एंटर्ड इन वन शीट। User need to enter all mandatory fields in the sheet as per the entries in invoices in hand. After entering the request in the sheet, one can get it validated for the correctness of the data format using the validate button. After successfully validating the data, user can click the prepared generation tool button to generate the JSON file. तो सब कुछ सही है, तो आप generate कर सकते हैं JSON file और उसको upload करेंगे किसमें, e-invoice के portal में। ठीक है, तो ये process है। Next है, वेयर कैन आई एड द रेफरेंस डिटेल ऑफ द पेमेंट डिटेल इन द फॉर्मेट ए? तो फॉर्मेट ए सपोर्ट्स इनवॉइसेस फॉर बी टू बी एसीजेड एक्सपोर्ट एंड डीम्ड एक्सपोर्ट। द रेफरेंस डिटेल्स और द पेमेंट डिटेल्स कैन बी एंटर्ड इन द फॉर्मेट सी एंड डी। तो इसके लिए आपको फॉर्मेट सी एंड डी चाहिए, फॉर्मेट ए में ये नहीं हो सकता दोस्तों, ये याद रखना है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेट ए एंड फॉर्मेट बी? तो फॉर्मेट ए एंड बी बोथ फैसिलिटेट टू एंटर इनवॉइस डिटेल्स फॉर बी टू बी एंड एक्सपोर्ट कैटेगरी। इन फॉर्मेट ए इनवॉइस डिटेल्स एंड लाइन आइटम डिटेल्स आर एंटर्ड इन वन सीट, वेल इन फॉर्मेट बी इनवॉइस डिटेल्स आर एंटर्ड इन वन सीट एंड द आइटम डिटेल्स कैन बी एंटर्ड इन सेपरेट सीट, इसके लिए अलग सीट है। तो कैन आई यूज़ फॉर्मेट ए फॉर बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन? यस, आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वट शुड आई डू इफ आई गेट इनवेलिड टैक्स एरर? अगर इनवेलिड टैक्स एरर आ रहा है तो आप क्या करेंगे?
आपको ध्यान रखना है कि जो टैक्स रेट जो है उसको एंटर डैश 18% आपको 18% डालना पड़ेगा। ये नहीं कि 9% डालेंगे तो नहीं होगा, आपको टोटल परसेंट ही डालना है आपको। तो हाउ टू एंटर द सेस नॉन एडबल रेट, सेस नॉन एडबल रेट इज इन रुपीज एंड नीड टू बी कैलकुलेटेड फॉर द टोटल क्वांटिटी एंड एंटर इन सेस नॉन एडबल कॉलम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट व्हाट शुड आई डू इफ द डिस्काउंट हैज बीन गिवन इन द इनवॉइस, तो एंटर द डिस्काउंट वैल्यू इन डिस्काउंट कॉलम। आपको डिस्काउं वैल्यू डालना है, डिस्काउंट का परसेंटेज नहीं डालना है। शुड आई एंटर डिस्काउंट विथ नेगेटिव साइन, नहीं नेगेटिव साइन आपको यूज नहीं करना है, सिस्टम खुद डिडक्ट कर लेगा। आर नेगेटिव वैल्यू अलाउड इन अदर चार्जेस, नो अदर चार्जेस आर ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखना है। अगर आपके पास रन टाइम एरर 13 आ रहा है तो क्या करना है आपको, तो ये तभी आएगा अगर आपका डॉक्यूमेंट टाइप और फ्रॉम स्टेट और टू स्टेट ऑफ आइटम यूनिट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन इज नॉट सेलेक्टेड। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये प्रॉपरली सेलेक्ट करना है। आई गेट इनवैलिड डॉक्यूमेंट डेट, तो हमेशा याद रखना है डॉक्यूमेंट डेट आपका DD/MM/YYY इस फॉर्मेट में होना चाहिए। नेक्स्ट है आई गेट द एरर इनवैलिड टू GST, हाउ टू प्रोसीड, तो दिस एरर ऑकर्स इफ द GST इज नॉट एंटर करेक्टली। तो ये आपको ध्यान से रखना है। सेम वैसे ही आपको इनवैलिड फॉर्म GST आ रहा है तो वो भी आपको चेक करना है और अच्छे से डालना है। तो व्हाट इज राउंड ऑफ कॉलम यूज फॉर, तो राउंड ऑफ कॉलम यूज फॉर आप तो पता ही है किस लिए यूज होता है। तो हमेशा सिर्फ इसमें ध्यान रखना कि राउंड ऑफ वैल्यू में भी 0 to 99.99। ठीक है, अच्छा माई इनवॉइस कॉन्टेंट आइटम्स बिलोंग टू बोथ गुड्स एंड सर्विस, कैन आई जनरेट ई वेविल, यस आप कर सकते हैं, उसमें गुड्स और सर्विस एक साथ आप हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट है व्हाट इज बायर POS, तो बायर POS ये ध्यान रखना है कि ये प्लेस ऑफ सप्लाई है, अगर ये ऑप्शन आता है तो आपको ध्यान से प्लेस ऑफ सप्लाई पुट करना है। तो हाउ डज द सिस्टम कैटेगराइज इंटरस्टेट एंड इंटरस्टेट ट्रांजेक्शंस, करेगा सप्लायर GST इन स्टेट एंड POS पे। ठीक है, तो कैन आई एंटर वन ट्रांसपोर्ट आईडी इन ई वे बिल डिटेल, यस। ठीक है, व्हाट इज IGST ऑन इंट्राफील्ड, तो IGST ऑन इंट्राफील्ड अगर आप Y सेलेक्ट करेंगे तो टैक्स अमाउंट इज कैलकुलेटेड फॉर IGST इन स्पाइट ऑफ द ट्रांजेक्शन बिंग इंटरस्टेट। ठीक है, मैक्सिमम लाइन कितना है, मैक्सिमम लाइन 1000 आइटम आप ले सकते हैं। ओके, मिनिमम HSN कोड का लेंथ कितना होना चाहिए, मिनिमम 4 होना चाहिए। कैन आई एंटर डिस्काउंट एंड अदर चार्जेस ऑन इनवॉइस लेवल, यस बिल्कुल हो सकता है। इज देयर एनी लिमिट ऑन द JSON फाइल दैट इज अपलोडेड इन द सिस्टम, यस इसका लिमिट 2 MB है। तो ध्यान रखना है 2 MB का ऊपर आपका JSON का फाइल नहीं होना चाहिए, इसका ऊपर अगर होगा तो सिस्टम वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो दोस्तों ये था डिटेल्स जो मैंने आपको समेरी बताया फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी और फॉर्म डी के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्म्स को यूज़ कैसे करना है, स्पेशली मैं आपको फॉर्म बी के बारे में समझाऊंगा, आपको सभी फॉर्म्स के बारे में समझ में आ जाएगा और आपके लिए फॉर्मेट बी ही सबसे बेटर है। तो अगला वीडियो अगर आप देखना चाहते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना ही है। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, और अगर आपको कोई और टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान रखना है फॉर्मेट बी सबसे इम्पोर्टेंट टूल है जिसमें आप तो मोर देन 20 आइटम्स बना सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।